आज का जो पेपर था 7 और 8, तो ये पहले 7 का एरिया है। पहले तो मैं इसका पेपर शो करवाता हूँ और फिर इसके सलूशन की तरफ ही चले जाते हैं कि देख लें कि वो सलूशन में क्या कर रहा है। ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था, ये रिक्वायरमेंट आप देखेंगे लिखी गई, कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, सिंपली शॉर्ट सा एक एक्सेल का, क्योंकि कोई डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं आ रहा, नॉर्मल से तो रूटीन के पेपर है, कोई नीचे अपसेट वाला मामला नहीं है। इसके बाद यही चीज़ है, इसका सलूशन देख लें तो ये फार्मूले इसके लिखे गए हैं, ठीक है। और बोल मैं इसलिए नहीं ज़्यादा इसमें ला के, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आती है कि कंडीशन वगैरह लगाने के बाद पहला मैसेज और दूसरा मैसेज किस तरह से रखना है। दोनों तरीके किए जा सकते हैं, अगर ग्रेटर दैन 50% से रखने हों तो आप ग्रेटर का साइन यूज़ करते हैं तो पास पहले लिख देंगे, फेल बाद में लिख देंगे, और अगर ऐसा है कि आप लेस दैन का साइन यूज़ करना चाह रहे हैं कंडीशन, तो फिर जारी बात है फेल पहले लिखेंगे और पास बाद में लिखेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा एक क्वेश्चन था विजुअल बेसिक का, ये भी अगर देखें तो बस उनके अगर ओवर टाइम फाइंड करना था और एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह ग्रॉस पे क्या बन रही, आसान सा प्रोग्राम था, कतन कोई ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं थी। इसको भी देख लें, इसके ये नोट करने के बाद इसका सलूशन देखें, ये हमारे पास सलूशन इसका पेपर इधर भी बल्कि लिखा गया, टॉप पे क्वेश्चन लिखा गया, इसमें आर पे एज टीचर ऑर्स किसके इक्वल हैं, कहते हैं इनपुट बॉक्स जो भी आप इनपुट दोगे, इफ ऑर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अगर 40 से अबव हो गए देन क्या करें, पे उसने जो भी फिगर लिखे हैं ये कर देगा और प्लस कर देगा और माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि 40 आर से ऊपर जितने भी होंगे वो 250 के हिसाब से कैलकुलेट होने हैं, तो उनको पहले 40 वालों को आर्स में से माइनस करता है और प्लस मल्टीप्लाई कर देता है, फिर उनको 250 के साथ जो कुछ भी पे बनेगी वो नीचे जाके तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और अगर ये नहीं है, कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, तो एल्स पार्ट पे आएगा पे इक्वल टू आर्स मल्टीप्लाई बाय 200, ये करने के बाद वो पे को प्रिंट कर देगा। अब ये तो हो गया 7 नंबर, अब हम चलते हैं 8 नंबर पे। ये हमारे पास 8 नंबर आ गया, 8 नंबर पे भी हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें वर्ड का क्वेश्चन आया था और मोस्टली स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम थी कि वो बॉर्डर ड्रॉ करते वक्त ना उनको परेशानी थी, कॉमन चीज़ इस्तेमाल में नहीं आ रही थी उनके, तो इनमें फॉर्मेट में जाएं, आप फॉर्म वहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग में जाते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग को जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपको फर्दर ऑप्शन इसकी मिल जाएंगे। बाकी तो सिंपल सा था, एक टेबल ड्रा करना था, इंसर्ट टेबल में जाएं, वहाँ पे उसके कॉलम और नंबर ऑफ विड्थ दें, वो चीज़ें ड्रा हो जाएंगी, उसके बाद उसको सेव कर दें। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये एरे का था, ठीक है, 10 मेंबर्स ऑफ एरे, अब इनका सलूशन देख लें। इसका सलूशन इस तरह से था, ये तो पहला तो वर्ड का सलूशन दिया गया, ठीक है, फिर साथ ही ऐसा है कि एक्सेल का सलूशन दिया गया, तो एक्सेल में सॉरी पहले वर्ड में था, फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो विजुअल बेसिक का है, तो विजुअल बेसिक में आप देखें कि ये उसका उसने करके जो परफॉर्म करके दिया वो इस तरह सॉर्ट करना था बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक हो गया। मैं एक दो सेकंड अब मजीद वेट करता हूँ तो इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, होप सो के ये नज़र तो ठीक ही आ रहा है, नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि मजीद क्लियरेंस इसमें आए, जो थोड़ी बहुत मिस्टेक है स्कैनिंग के अंदर या इन चीज़ों के अंदर वो चल नेक्स्ट में नहीं होगी।
ठीक हो गया जी, ये हमारा विजुअल बेसिक का। वैसे मैंने अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं ये वॉइस देखा है जो नेस्टेड लूप के साथ एक प्रोग्राम दिया गया और एरे में स्पेशली दिया गया, क्योंकि पेपर में तो एरे का क्वेश्चन देते हैं लेकिन मैंने देखा था कि रूटीन में ना प्रैक्टिकल में एरे का क्वेश्चन नहीं देते। तो जरी बात है ट्रेंड तो चेंज होते रहते हैं। ये बबल सॉर्ट के थ्रू किया गया किसी ने कि करके जो भी सोल्यूशन दिया है तो यूनिवर्सिटी का प्रोवाइडेड ही है। जरी बात है जिसने पेपर बनाया उसने ही सोल्यूशन भी बिल्ड करना था, तो ये सारा सोल्यूशन पड़ा है। आप नोट करना चाहें तो स्टॉप करके कर लें या जिस तरह से भी आपको लाइक हो। ठीक है जी।